सुल्तानपुर में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते दो मालगाड़ियों में आमने सामने की टक्कर हो गई। ये टक्कर रेलवे स्टेशन के दक्षिण छोर आउटर पर हुई, जिसमें मालगाड़ियों के एक ही ट्रैक पर आमने सामने से आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाले घर में सो रहे लोग ये समझकर घर से बाहर निकलकर भागे कि भूकंप आ गया है। गनीमत ये रही कि ये ट्रेन सवारी गाड़ी ना होकर मालगाड़ी थी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि ट्रेन के आधे दर्जन से अधिक डब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पलट गए हैं। सुबह सवेरे हुए इस हादसे में एक बार फिर रेलवे की घोर लापरवाही उजागर हुई है। हालांकि जब स्टेशन अधीक्षक पीएस मीना से बात की गई तो पूरे मामले की जांच होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। हादसा ये अचानक है, दो गाड़ियों, एक गाड़ी है डाउन की जा रही थी, अब की आ रही थी, और अब आके तो क्या बताऊँ, अब आके अब लापरवाही का अभी डिसाइड होगा। अभी लापरवाही के बारे में, एक ही पटरी पे सर आई है ट्रेनें, दोनों एक ही पटरी पर आई है क्या? तो कैसे एक ही पटरी पर आ गई, एक ही रेलवे ट्रैक हो गई है? जो भी है भाई, अभी इस बारे में जांच कर लेते हैं थोड़ा सा, तब बताएंगे पूरी डिटेल तो आपको। अभी थोड़ा जांच कर लेते हैं। जी 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 जी, अधिकारी अभी कुछ हम रिस्टोर के लिए लग रहे हैं। ठीक ठीक। हादसे के बाद दोनों मालगाड़ियों के ड्राइवरों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SC कौशल ने बताया कि घायल ड्राइवरों की हालत ठीक है, उनका बेहतर इलाज हो रहा है। या मान लीजिए कि यदि आवश्यक हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद हायर सेंटर की आवश्यकता हुई तो उनको लखनऊ रेफर करेंगे। इनके जो रेलवे के डॉक्टर हैं, उनके डिविजनल हॉस्पिटल से उनसे मेरी बात हुई, उनके यहाँ से भी संभवतः एक टीम आ रही है डॉक्टर, एक एम्बुलेंस आ रही है, मुझे लगता है उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ट्रेनें हुई निरस्त या डाइवर्ट। 22418 वाराणसी महामाना एक्सप्रेस डाइवर्ट, 19313 इंदौर पटना एक्सप्रेस डाइवर्ट, 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस डाइवर्ट, 13414 फरक्का एक्सप्रेस डाइवर्ट, 20401 लखनऊ सुपरफास्ट शटल निरस्त, 04381 अयोध्या कैंट एक्सप्रेस स्पेशल निरस्त, 14234 सूर्यो एक्सप्रेस सीमित दूरी तक, 22183 साकेत सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाइवर्ट, 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस डाइवर्ट, 19669 पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस डाइवर्ट, 12328 उपासना एक्सप्रेस डाइवर्ट, 20402 वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस निरस्त। हादसे के बाद गाड़ियों के कई डब्बे पटरी से उतर गए हैं, इस वजह से रायबरेली और प्रतापगढ़ की ओर जाने वाला रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है, जिससे कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और कुछ को निरस्त कर दिया गया है। अगर आप संबंधित रेलवे रूट पर सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो निरस्त और डाइवर्ट ट्रेनों की जानकारी देखकर ही अपने घर से निकले। रेलवे के अनुसार हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि लखनऊ डिवीजन के सुल्तानपुर स्टेशन के पास आज सुबह करीब 5:30 बजे दो मालगाड़ियां टकरा गईं। इस वजह से 11 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिससे रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतापगढ़ और रायबरेली की ओर जाने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट या निरस्त किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुल्तानपुर से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।